कश्मीर के बड़गाम जिले में मंगलवार जिला अदालत परिसर के पास सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में दो आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों को उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बड़गाम जिला अदालत परिसर के पास एक स्पेशल इनपुट पर सेना और पुलिस की संयुक्त टीम की तरफ से नाका लगाया गया था। इस दौरान एक संदिग्ध वाहन को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आतंकवादियों को इसकी भनक लगते ही गोलाबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में दो आतंकी ढेर हो गए हैं। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं ADGP कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि दोनों आतंकियों की पहचान कर ली गई है। आतंकियों के नाम अरबाज मीर और शाहिद शेख बताए जा रहे हैं। दोनों पुलवामा के रहने वाले थे और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए थे। हाल की मुठभेड़ में दोनों आतंकी फरार हो गए थे। रविवार को बचकर भाग गए थे दोनों आतंकी। इससे पहले रविवार को बड़गाम जिले के रेडबग मगाम इलाके में इस वर्ष की पहली मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में आतंकी चकमा देकर फरार हो गए थे। शुरुआत में दोनों ओर से फायरिंग होती रही, लेकिन कुछ देर बाद दूसरी ओर से फायरिंग बंद हो गई। हालांकि सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला ताकि आतंकवादियों को भागने का मौका ना मिल सके। काफी देर बाद भी दूसरी तरफ से फायरिंग नहीं हुई तो सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान पता चला कि घिरे आतंकी भाग निकले हैं, लेकिन आज हुई मुठभेड़ में दोनों ढेर हो गए।